नमस्कार, शाम के बज चुके हैं 7 और आप देख रहे हैं देसा न्यूज। मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की खबर से। रामनवमी और हनुमान जयंती के दिन निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान कई राज्यों में हिंसा हुई। कुछ लोग शोभा यात्रा को लेकर लगातार सवाल भी उठा रहे हैं। इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वैसे लोगों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत में रामनवमी जुलूस या हनुमान जयंती नहीं मनाई जाएगी तो क्या बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में मनाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि आखिर देश में नहीं तो रामनवमी का जुलूस कहां निकाला जाएगा, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या फिर अफगानिस्तान में। गिरिराज सिंह ने ये बातें कटिहार दौरे के दौरान कही। हनुमान जयंती पर कातलाना हमला ये साबित करता है कि देश को अस्थिर करना और अपनी ताकत को दिखाना, और इन घटनाओं के बाद देश के कुछ जिन्ना के सोच वाले लोग जब कहते हैं कि उस गली होकर के क्यों जाता जुलूस, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, उसके बाद क्या ओबीसी टाइप के लोग जो कहते हैं कि उस गली में क्यों गए, क्या उन्होंने देश को बांट दिया कि ये हिंदू की गली है, ये मुसलमान की गली है। अगर भारत में रामनवमी जुलूस, हनुमान जयंती ये नहीं मनेगा, नहीं जुलूस निकलेगा, क्या ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में। बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे की। बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर भोजपुर के जगदीशपुर में बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 23 अप्रैल को होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर पटना में बीजेपी के नेताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी की ओर से जानकारी दी गई कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आरा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 22 अप्रैल को पटना आएंगे, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। हम लोग पटना महानगर की दृष्टि से आज बैठे थे और हम लोगों ने जहां माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे तो उनके स्वागत की भी व्यापक तैयारियां पटना महानगर ने किया है, और हम लोगों ने उसके दृष्टि से अभी मीटिंग की है और पटना को सजाया भी जाए इसकी भी तैयारी है, और साथ में गृह मंत्री जी के स्वागत में भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में निकलेंगे तो उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए इसकी भी हम लोगों ने योजना बनाई है। और साथ ही साथ 23 तारीख को जो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जो विजयोत्सव का शहीद बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर हम लोग मना रहे हैं, ये अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान बनाने जा रहा है भारत, जिसमें भारत के तिरंगे के साथ लाखों लोग खड़े होंगे, तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण होगा। और इसके रिकॉर्ड करने के लिए, इसके आकलन करने के लिए ग्रीनिज बुक की भी टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। वो अपना स्थल का अध्ययन, बाकी चीज़ों को किस प्रकार से वो आकलन करेगी, उसकी जो अपनी टीम है वो मॉनिटरिंग कर रही है। तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा विषय है कि बिहार की भूमि को वो ऐतिहासिक क्षण मिलने वाला है जो ग्रीनिज बुक में नाम दर्ज होगा, और वो भी किस चीज़ के लिए, तो देश के तिरंगे को सबसे अधिक एक साथ लोग लेके खड़ा रहे। 23 अप्रैल को विजय उत्सव बाबू वीर कुंवर सिंह के जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम का आयाम है, तो समाज के सभी वर्ग बड़ा उत्साहित तरीके से, शाहबाद, मगध और पूरे बिहार के दृष्टि से अलग अलग स्थानों से लोग बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और विश्व रिकॉर्ड तो बनाने के साथ साथ राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय को लेकर, और बाबू वीर कुंवर सिंह जी का जो त्याग, वास्तव में पूर्व के सरकारों ने इस प्रकार का अभी तक जो स्थान जो वर्तमान अपनी इंडिया के सरकार ने विचार करके, और देश भर का ये विश्व का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ खड़े रहकर एक संदेश देने का भी काम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने का भी ये कार्यक्रम की संरचना बनी है। और हम लोग साधुवाद देते हैं माननीय गृह मंत्री जी इस अवसर पर पधारने वाले हैं। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में गुमला उपायुक्त सुशांत गौरव ने जिले के 2 प्रखंडों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को चुनाव से जुड़े कई दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि हर बूथ में कमियों को दुरुस्त किया जा रहा है और सभी बूथों में पानी और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो, इसके
लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। चुनाव शांतिपूर्ण हो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड को लेकर भी सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। दोनों ही के निर्वाची पदाधिकारी चाहे मुखिया हो या वार्ड परिषद सदस्य के दृष्टिकोण से जो BDO और CO का कक्ष है वही निर्वाची पदाधिकारी का कक्ष है। उसमें पूरे जो हमारे कर्मी हैं जिनको नामांकन लेना है उन्होंने अपनी पूरी तैयारी के साथ सारे तैयारी के साथ मैन एंड मटेरियल विथ फुल ट्रेनिंग जो है वो हम लोग तैयार हैं और वी आर स्टिल अवेटिंग कोई पहले व्यक्ति जो है नामांकन कराने आए। इसके अलावे जो भी फैसिलिटीज़ हम लोग को देनी है जो भी अगर आएंगे चाहे वो गर्मी हो पानी वगैरह की समस्या है वो सभी चीज़ों का हम लोगों ने आकलन करके तैयारी कंप्लीट कर ली है। आशा करते हैं कि जितने भी अभी तक पर्ची बटे हैं उतने लोग भी आएँ और इसके अलावे भी लोग आएँ। वी आर अवेटिंग कि हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को। बिहार में पुलिस विभाग में अब लॉटरी सिस्टम से तबादले की शुरुआत हो गई है। इसके तहत पहली कड़ी में अलग अलग थानों में 80 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि लॉटरी के जरिए ट्रांसफर पोस्टिंग में पारदर्शिता होती है और किसी भी पुलिसकर्मी को किसी भी तरह की कोई भी शिकायत नहीं रहती। पुलिसकर्मियों की ट्रांसफर पोस्टिंग लॉटरी के जरिए होने से अब कोई भी पुलिसकर्मी मनचाही पोस्टिंग की अर्जी वरीय अधिकारियों के सामने नहीं लगा सकेंगे। देश की सेवा के लिए रोहतास में लड़कियां विशेष ट्रेनिंग ले रही हैं। इनके जोश और जज्बे को आज हर कोई सलाम कर रहा है। पेश है रोहतास से खास रिपोर्ट। बिहार के रोहतास जिले की लड़कियां नक्सल इलाके की दहलीज लांघकर इन दिनों कमाल कर रही हैं। इनके जज्बे और जोश देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। कारण यह है कि ये लड़कियां पुलिस सेवा में भर्ती होने के लिए लगातार मैदान में पसीना बहा रही हैं। जब अहले सुबह सभी सो रहे होते हैं तो यह लड़कियां 8 से 10 किलोमीटर प्रतिदिन दौड़ लगाती हैं, कड़ी ट्रेनिंग लेती हैं ताकि NDA और बिहार पुलिस में बहाल होकर देश की सेवा कर सके। तस्वीरों में दिख रही इन बेटियों में जोश है, जुनून है और जज्बा भी। आगे बढ़ने की ललक है क्योंकि इन सब में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। नक्सल प्रभावित नौहट्टा के दारानगर से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी तय कर गुनगुन गुप्ता आती है। वह कहती हैं कि पहले यहाँ की बेटियां घरों से निकल नहीं पाती थी लेकिन यहाँ आने के बाद आत्मविश्वास बढ़ा। एक्चुअली मैं दारानगर के इलाके से हूँ, नौहट्टा क्षेत्र के इलाके से। एक्चुअली पहले वहाँ मतलब काफ़ी इंसलाइट वगैरह रहते थे, काफ़ी लोग डरे रहते थे, अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकलने देते थे। बट अभी के समय में देख पा रही हूँ सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, सभी लड़कियों के पंख निकल रहे हैं कि हाँ हमें कुछ करना है। तो बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हूँ तो मेरे देखने से भी काफ़ी लड़कियाँ वहाँ मोटिवेट हुई। वो लोग मतलब लगा कि हाँ हम भी बाहर जा सकते हैं, हम भी निकल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। दरअसल डेहरी के इंद्रपुरी में इन दिनों लड़कियों की टोली अपने शारीरिक क्षमता से जीवन में कुछ कर गुजरना चाहती हैं। मैदान में पसीना बहा रही यह बेटियां पुलिस सेवा और सेना में शामिल होना चाहती हैं। यही कारण है कि यह लगातार कई तरह के अभ्यास कर रही हैं। लॉन्ग जंप, हाई जंप के अलावे कठिन से कठिन कसरत कर अपने आप को मजबूत बना रही हैं। अब इंद्रपुरी इलाके में दूर दराज से बेटियां पहुंचकर यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर राज्य और देश के अलग अलग भर्ती परीक्षा में अपना जगह बना रही हैं। औरंगाबाद की निशा बताती हैं कि वह नेशनल डिफेंस में जाना चाहती है। डिफेंस लाइन का जॉब बहुत ही अच्छा लगता है। पटना गया जहां सिखाया जाता है वहां काफी खर्च है पर इस अकेडमी में निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। मैं अपना मकसद पूरा करना चाहती हूँ। मेरा शुरू से ही मकसद है डिफेंस लाइन का जॉब, बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लिए मैं रनिंग के लिए डेहरी में पता चला कि सर सिखा रहे हैं और काफ़ी अच्छा सिखा रहे हैं। पटना गया जहाँ भी सिखाया जा रहा है वहाँ रहकर मुझे कुछ ज़्यादा ही खर्च पड़ता, इसीलिए मैं यहाँ पे रूम लेकर के रहती हूँ और अपना मकसद को पूरा करना चाहती हूँ। बताते चले कि रोहतास जिला का ये इलाका जो कभी नक्सल इफेक्टिव था, जहां लड़कियों को घर से निकलना मुश्किल था, ऐसे में रोहतास, नौहट्टा, चूटिया, दारानगर, बुधवा, तुम्बा जैसे इलाके से लड़कियां यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।
लगातार विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अपनी जगह बना रही हैं। यही कारण है कि अब दूर दराज से बच्चियां आकर यहां शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। बिहार एसआई की तैयारी कर रही प्रियंका सिंह कहती हैं कि कड़ी ट्रेनिंग की वजह से न सिर्फ शारीरिक तौर पर मजबूत हो रही हैं बल्कि मानसिक तौर पर भी मजबूत हो रही हैं। वहीं छोटे से शहर में इस तरह के एकेडमी चलाना बहुत बड़ी बात है, खासकर जिन बच्चे बच्चियों के परिवार के लोग फाइनेंशियल रूप से क्राइसिस में चलते हैं और वह अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए कहीं भेज नहीं पाते, उनके लिए यह काफी लाभदायक है। सिक्योरिटी मिली हुई है कि हाँ भाई हमें कोई छेड़ नहीं सकता है, हम चाहे तो अभी उसका मुंह तोड़ सकते हैं, इतना हम लोग के पास अभी ट्रेनिंग है। और इस वजह से सिर्फ हम लोग शारीरिक तौर पर मजबूत नहीं हो रहा है, हम जो है मानसिक तौर पर मजबूत हो रहे हैं। जो हमारा सिक्योरिटी इशू है, हमें घर से निकलने नहीं दिया जाता है, लड़कियों के सिक्योरिटी के इशू है कि भाई लड़की है, कुछ हो गया कुछ नहीं हुआ। तो अगर एक तो पुलिस फोर्स में आने से लड़कियों को बहुत संबल मिलेगा, बल मिलेगा, ऊपर से वुमेन एम्पावरमेंट का जो इशू है वो सॉल्व होगा, हम लोग एम्पावर्ड होंगे। बहरहाल इस इलाके में लड़कियों को घर से निकलकर कुछ नया करना एक समय में बहुत मुश्किल थी, लेकिन अब समाज की बेड़ियां तोड़ती यह बेटियां अपने लिए और अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हैं। इनको प्रशिक्षण देने वाले सेना के निवृत्त जवान अक्षय कुमार कहते हैं कि यह पूरी तरह से निःशुल्क है और लड़कियों को उसके क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण देकर काबिल बनाया जाता है। कुमार, बिहार रेजिमेंट से मैं संबंध रखता हूं सर, मैं वन बिहार रेजिमेंट का हूं और मैं कलर सर्विस किया नहीं, 25 साल में हमने डिस्चार्ज लेके घर में चलाया। और यहां आने के बाद मैं थोड़ा बच्चा लोग के देखा, मेरा अभी भी यहां पे है, एक गोलू नाम का लड़का है, तकरीबन भैंस चराता था, मैं इसको दौड़ाता था सर। मेरा एकेडमी में सर अभी 5 लड़कियाँ यहाँ पर खड़ा हैं जो नेशनल प्लेयर हैं और 3 लड़का हमारा नेशनल प्लेयर है इसी एकेडमी से, और तकरीबन 30 लड़का लड़की इस बिहार पुलिस के जो अभी फिजिकल टेस्ट हुआ है उसमें हमारा बच्चा सेलेक्ट हुआ है। मैं चाहूँगा कि हमारा जो भी इधर के बच्चे हैं वो आएँ और मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दूँ और अपने देश की सेवा करें। गौरतलब है कि बीते दिनों इस ग्रुप से 30 लड़के लड़कियों का चयन हुआ है जो विभिन्न पुलिस सेवा में गए हैं। आज जरूरत है उनके हौसले को बढ़ाने की ताकि हमारी यह बेटियां हमारे समाज के लिए मिसाल पेश कर सके। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रवि कुमार की रिपोर्ट। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमें फेसबुक पे भी लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।